हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टचेबल विदाउट फीडबैक देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग टचेबल नेटिव फीडबैक देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं। यहाँ पे देखिए, अभी टचेबल नेटिव फीडबैक तो ये ओनली एंड्रॉयड के लिए सपोर्ट करता है। ये भी एक कोर कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का। तो यहाँ पे देखिए, मतलब कुछ विजुअलाइजेशन फीडबैक इफेक्ट देने का रहता है तब कुछ कंपोनेंट पे, तो और तब उस टाइम यूज कर सकते हैं टचेबल नेटिव फीडबैक। और यहाँ पे कुछ उसके फ्यूचर है, मतलब प्लेटफॉर्म अभी स्पेसिफिक, इट्स अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉयड डिवाइस, मतलब ये सिर्फ एंड्रॉयड को ही सपोर्ट करता है। और जो अभी मेन उसका इफेक्ट है, मतलब उसे रेपल इफेक्ट बोलते हैं, वो मतलब प्रोवाइड अ नेटिव रेपल इफेक्ट व्हेन द बटन इज प्रेस, तभी ये इफेक्ट ये एक्टिव कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब उसका रेपल का कलर और रेडियस और बैकग्राउंड कलर ये सब सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसका सिंटैक्स है बैकग्राउंड और टचेबल नेटिव फीडबैक डॉट रेपल। अभी एक मेथड हो गया, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, आप देख देख सकते हैं। और यहाँ पे तीन आर्गुमेंट्स रहते हैं, मतलब यहाँ पे पहले देखो, फर्स्ट आर्गुमेंट मतलब स्पेसिफिक कलर कौन सा आपको देने का है, और उसके बाद वो जो फॉल्स है, मतलब सेकंड आर्गुमेंट, दिस बुलियन वैल्यू डिटरमाइंस वेदर द रेपल शुड बी बाउंडेड और नॉट, मतलब उस जो रेपल इफेक्ट रहता है वो मतलब जो बटन के अंदर ही आपको दिखाने का है कि बटन के बाहर भी बाउंडेड, उसी के लिए ये सेकंड आर्गुमेंट यूज होता है। और यहाँ पे जो थर्ड है, अभी यहाँ पे देखिए 50 दिया है वैल्यू, तो इसका मीनिंग होता है कि मतलब आप दिस नंबर डिफाइन द रेडियस ऑफ द रिपल इफेक्ट इन पिक्सल, 15 मीन्स 50 पिक्सल रेडियस दे सकते हैं, ये थर्ड आर्गुमेंट में है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल, एक बटन क्रिएट करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे इस कोड को पूरा हटा देता हूँ और एक स्क्रैच फंक्शन बनाता हूँ, रिएक्ट नेटिव फंक्शन। और यहाँ पे कुछ कोर कंपोनेंट ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि पहले आप टचेबल नेटिव फीडबैक, और एक स्टाइल शीट भी लेता हूँ स्टाइल स्टाइल के लिए। यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। अभी यहाँ पे इस व्यू को स्टाइल स्टाइल्स डॉट कंटेनर देते हैं, इसे सेंटर में लेते हैं। अभी कंटेनर को flex1 जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, यहाँ पे देखिए अभी सेंटर में आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं अभी एक बटन बनाता हूँ, व्यू, और यहाँ पे टेक्स्ट प्रेस मी, और इसको स्टाइल लेते हैं स्टाइल स्टाइल्स डॉट बटन। बैकग्राउंड कलर 007 BFF, पैडिंग वर्टिकल 10 और पैडिंग हॉरिजेंटल 20 और बॉर्डर रेडियस 5 देते हैं।
तो देखिए अभी यहाँ पे बटन क्रिएट हो चुका है, और जो बटन के अंदर प्रेस मी नेम है उसका कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल लेता हूँ, स्टाइल्स डॉट बटन नेम, कलर वाइट देते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट साइज भी बढ़ाते हैं उसकी, फॉन्ट साइज 60, और फॉन्ट वेट बोल्ड। अभी अपने यूआई का काम हो चुका है। अभी यहाँ पे देखिए जो कोर कंपोनेंट ऐड किया है तो इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसे अभी जो बटन है उसके उसको इसके अंदर रैप कर देने का, यहाँ पे देखिए अभी सेव किया। तो इसमें अभी कुछ प्रॉप्स आते हैं, यहाँ पे मैं नीचे लेता हूँ। आप यहाँ पे इवेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑन प्रेस, ऑन प्रेस, और यहाँ पे एक सिंपल सा भी मैं इसमें कॉल बैक फंक्शन लेता हूँ, और कंसोल में तो आप अलर्ट भी शो कर सकते हैं। प्रेस क्लिक, अभी उसके बाद जो मेन है अपना, यहाँ पे जैसे देखा था ये वाला प्रॉपर्टीज सिंटैक्स यूज करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे टचेबल नेटिव फीडबैक डॉट रिपल, और यहाँ पे अभी कलर देते हैं, आपको जो भी पसंद है वो कलर दे सकते हैं। व्हाइट लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है अभी, या उसे फॉल्स रखते हैं, और बॉर्डर रेडियस के लिए अभी 13 देते हैं। तो अभी मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इफेक्ट हो रहा है बटन पे, नॉर्मल सा। ये देखो अभी जैसे मैंने इसे फॉल्स है, इसे ट्रू किया, तो आप ये देखिए अभी, और इसकी साइज भी बॉर्डर रेडियस की बढ़ाते हैं। ये देखिए अभी बॉर्डर रेडियस की साइज भी बढ़ गई है। यहाँ पे ना बैकग्राउंड कलर देते हैं कंटेनर को, अभी यहाँ पे इसको ट्रू करते हैं और फॉल्स करते हैं। इसकी साइज और बढ़ाते हैं, देखिए अभी 18 किया है बॉर्डर रेडियस, ऐसा इसका रिफल इफेक्ट शो हो रहा है। इसे ट्रू करते हैं। अभी यहाँ पे एक इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ, तब पता चलेगा कि ये ट्रू और फॉल्स कैसे यूज होता है। यहाँ पे रेड देता हूँ। अभी ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रू किया है, तो ये क्या करता है कि पूरा मतलब आउटसाइड भी बटन के शो होता है वो। जैसे इसे हम लोग फॉल्स करेंगे तो वो इसके अंदर ही शो होता है।